देखते हैं, हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर कंटेन्स लिक्विड, दिस लिक्विड इज फिल्ड इनटू 72 सिलिंड्रिकल बॉटल्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ ईच बॉटल इफ 10% लिक्विड इज वेस्टेड इन दिस ट्रांसफर। पहले हम ओरिजिनल वॉल्यूम निकालते हैं, हमारे पास लिक्विड का ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल में हमने स्टोर कर रखा है जिसका डायमीटर में दे रखा है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर हमें डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास 36/2 18 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम हमें पता होता है 2/3 पाई रेडियस का क्यूब, ये आ जाएगा 2/3 × π × 18 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। इसके अलावा हमें गिवन है कि 10% लिक्विड जो है ट्रांसफ़र करने में वेस्ट हो जाता है, तो जो हमारे पास फाइनली लिक्विड बचेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेफ्ट, वो हो जाएगा माइनस जो वेस्ट हो गया, 10% वेस्ट हो गया, 10% ऑफ दिस, तो हमारे पास बच जाएगा 90% ऑफ दिस इंटू 2/3 π/18³। और यही सेम वॉल्यूम हमने 72 सिलिंड्रिकल बॉटल्स में फिल किया है, तो यही वॉल्यूम उन 72 बॉटल्स में डिवाइड हो जाएगा, पर हमें उसकी हाइट निकालनी, हाइट अननोन है, तो हाइट को h मान लेते हैं हम, लेट द हाइट बी h, तो एक बॉटल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन वन बॉटल। सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता होता है π r² h π × रेडियस क्या है सिलेंड्रिकल बॉटल की, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 6/2 3 सेंटीमीटर π r² × h। ये उस लिक्विड का वॉल्यूम है जो एक बॉटल में आएगा, ऐसे 72 बॉटल्स में हमें इस लिक्विड को फिल करना है, तो 72 इंटू दिस वॉल्यूम π × 9 h शुड बी इक्वल टू दिस लिक्विड, तो यहां से हम h फाइंड आउट कर सकते हैं, तो h क्या आएगा यहां से, डिवाइडेड बाय 72 × 9, कैलकुलेट करते हैं, 9 × 8 = 72, तो ऊपर हमारे पास बचा 2, 6, 2 and 18, ये कैंसिल हो जाएगा 3।